नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग भूगोल खंड के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। लेसन को शुरू करने के पहले हम लेसन के अर्थ को जान लेते हैं। जैसा कि लेसन का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो आइए जानते हैं कि वन किसे कहते हैं, वन्य जीव किसे कहते हैं और संसाधन किसे कहते हैं। क्योंकि संसाधन को हमें जानना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पिछले लेसन में हम लोग संसाधन के बारे में जान चुके हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि वन किसे कहते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियों के उस समूह को जो स्वतः प्रकृति द्वारा विकसित होती हैं, वन कहलाते हैं। वन्य जीव किसे कहते हैं? काफी आसान है, ऐसे जीव जंतु जिनका निवास स्थान वन होते हैं, या जिनका आवास वन होता है, या जो वनों में निवास करते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। अब इनको वन एवं वन्य जीव संसाधन क्यों कहा जाता है? जैसा कि हम लोग संसाधन की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वो समस्त वस्तुएं जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं, पूरा करने की क्षमता रखती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार वन एवं वन्य जीव भी हमारे किसी न किसी काम में आते हैं, हमारे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनको वन एवं वन्य जीव संसाधन कहा जाता है। वन एवं वन्य जीवों में काफी विविधता पाई जाती है, या पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जितनी ही ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उतने ही आसानी से हो सकती है, हमारा पर्यावरण उतना ही संतुलित हो सकता है। आइए अब जानते हैं भारत में वन एवं वन्य जीवों की स्थिति क्या है, यानी भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के संदर्भ में भारत एक संपन्न देश है। भारत में लगभग 45,000 प्रकार की वनस्पतियां और लगभग 91,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि भारत जैव विविधता के मामले में काफी संपन्न है। भारत जैव विविधता के मामले में काफी संपन्न है, इसका आशय इसी बात से स्पष्ट हो सकता है या लगाया जा सकता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, किंतु भारत में विश्व की लगभग 7-8% जैव प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व के 35 जैव आरक्षित क्षेत्रों में से 4 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के हैं, किंतु आज हमारी विभिन्न गतिविधियों की वजह से इन वनस्पतियों एवं प्राणियों की संख्या में दिनों दिन कमी आती जा रही है। कुछ वनस्पतियां, कुछ प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। आगे की हेडिंग में हम जानेंगे पौधों एवं प्राणियों की उनकी स्थिति के आधार पर श्रेणियां। आइए हम पौधों एवं प्राणियों की उनकी स्थिति के आधार पर श्रेणियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं। देखिए, पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं की प्रजातियों में दिनों दिन कमी होती जा रही है। पेड़ पौधे वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं
की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस संस्था ने पौधों एवं प्राणियों की उनकी स्थिति के आधार पर 6 श्रेणियां निर्धारित की हैं। तो आइए जानते हैं, पहली श्रेणी जो है सामान्य जातियों की है, यानी कि इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे जीव जंतुओं को रखा जाता है जिनकी संख्या अभी इतनी पर्याप्त है कि इनके खत्म होने का, इनके समाप्त होने का अभी कोई डर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बस साल, चीड़, कृतंग, कृंतक आदि। दूसरी श्रेणी जो है वह संकट ग्रस्त जातियों की है, यानी इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा जाता है जिनकी संख्या कम है और जिनकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है, अगर उन स्थितियों में सुधार नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया, तो इनकी संख्या कम हो सकती है, ये विलुप्त के कगार पर आ सकती है। इसके अंतर्गत काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि को रखा जाता है। तीसरी जो श्रेणी है उसको सुभेद जातियों के अंतर्गत रखा जाता है, श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत वह जातियां रखी जाती हैं जिनकी संख्या घट रही है, अगर जिनकी वजह से इनकी संख्या घट रही है, अगर उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जातियां भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। इसको एक बार फिर से देखिए, सुभेद जातियों के अंतर्गत ऐसी जो जंतु एवं वनस्पतियों को रखा जाता है जिनकी संख्या अभी पर्याप्त है किंतु घट रही है, जिन वजह से, जिन परिस्थितियों से इनकी संख्या घट रही है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में ये जातियां भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। इनके अंतर्गत नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन आदि को रखा जाता है। अगली जो जातियां हैं दुर्लभ जातियां हैं, या अगली श्रेणी जो है वह दुर्लभ जातियों की श्रेणी है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा जाता है जो इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर काफी कम संख्या में पाए जाते हैं। अगली जो श्रेणी है स्थानिक जातियों की श्रेणी है, यानी कि इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे जीव जंतु, ऐसी वनस्पतियों को रखा जाता है जो स्थान विशेष पर ही पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी निकोबारी कबूतर आदि। अगली जो श्रेणी है वह लुप्त जातियों की है, इसके अंतर्गत ऐसे जीव जंतु एवं वनस्पतियों को रखा जाता है जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इसके अंतर्गत एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि जातियां आती हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जैव विविधता का ह्रास किन कारणों से हो रहा है, या पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं में कमी, या उनकी प्रजातियों में कमी किन वजहों से, किन कारणों से हो रही है। तो जैव विविधता के या पेड़ पौधे वनस्पतियों के प्रजातियों के ह्रास के कारण निम्न है, जिसमें से पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश, यानी कि
पेड़ पौधे वनस्पति या जीव जंतुओं के विकास के लिए अपने अपने प्राकृतिक आवास होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे विकसित होते हैं और उनके अनुसार ही जीव जंतुओं का विकास होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे वनस्पतियां जंगलों को साफ करता जा रहा है, जिससे पेड़ पौधे वनस्पतियों की कमी होती जा रही है, पेड़ पौधे वनस्पतियों की प्रजातियों की कमी होती जा रही है, जिससे जीव जंतुओं की संख्या में भी कमी होती जा रही है। पेड़ पौधे वनस्पतियों से हमारे किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इससे हम भलीभांति परिचित हैं। दूसरा है कृषि पद्धतियां। हमारी कुछ ऐसी कृषि पद्धतियां हैं जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के विनाश में सहायक है, या जिनकी वजह से पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं की संख्या में कमी होती है। जैसे एक कृषि पद्धति है झूम कृषि पद्धति या कर्तन दहन कृषि प्रणाली, यानी कि इसके अंतर्गत कृषि कार्य करने के लिए सर्वप्रथम वनों में आग लगा दी जाती है, फिर उनको साफ कर लिया जाता है, उसके बाद में उस पर कृषि की जाती है। जब उर्वरा शक्ति उस क्षेत्र की या भूमि की समाप्त हो जाती है तो अन्यत्र जंगलों में आग लगा करके कृषि योग्य भूमि प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे उन वनों में या जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु आदि समाप्त होने लगते हैं या उनकी संख्या कम होने लगती है। अगला जो कारण है रसायनों का प्रयोग। आज हम अपनी या आज हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार के केमिकल्स रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, चाहे वो संचार परिवहन आदि कोई भी क्षेत्र हो, हम केमिकल्स का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। एग्जाम्पल के रूप में आप एक ले सकते हैं कि अभी वर्तमान में अपने यहाँ चावल की कृषि या धान की खेती का सीजन चल रहा है। आप देखेंगे कि धान की खेती में खरपतवार कीड़े मकोड़े आदि को नष्ट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे या कर रहे हैं, जिससे उसमें या खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार कीड़े मकोड़े आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लगातार प्रयोग करने से पेड़ पौधे वनस्पतियां खरपतवार जीव जंतु की जातियां प्रजातियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसे अन्य रसायनों के प्रयोग से भी पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु प्रभावित होते हैं। अगला कारण है जीव जंतुओं का अवैध शिकार। मानो लालचवश या अपनी आवश्यकतावश जीव जंतुओं का अवैध तरीके से शिकार कर रहा है। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी संख्या कम है, जिनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी मनुष्य या मानव अपने स्वार्थवश ऐसे जीव जंतुओं का शिकार किए जा रहा है, जिससे इनकी संख्या और भी कम होती जा रही है। अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण। आज हमारी वजह से अनेक प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं के विकास पर पड़ रहा है। कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला कारण है वन आग, यानी कि दावानल, यानी कि जंगलों में आग का लगना। जंगलों में स्वतः जो आग लगती है उसको वनाग्नि या दावानल कहा जाता है। जंगलों में टहनियों के रगड़ने से स्वतः कभी कभी आग लग जाया करती है, जिससे जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु आदि जल करके नष्ट
हो जाते हैं। आए दिन आप टीवी पे समाचार पत्रों में ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि उस देश के जंगलों में आग लगी हुई है, तो इसकी वजह से वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। ऐसी क्रियाएं लगातार होने से पेड़ पौधे वनस्पतियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला कारण है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदियों पर बांध बनाते हैं, जिससे काफी विस्तृत क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जैव विविधता के ह्रास के, या यूं कहें कि जितनी भी समस्याएं आज हमारे सामने हैं या जन्म ले रही हैं, सबका मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि कैसे जैव विविधता का ह्रास का कारण बन रही है? जनसंख्या के बढ़ने से उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पेड़ पौधे वनस्पतियों की संख्या कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।